आरआरसी ग्रुप डी का थर्ड शिफ्ट का पेपर हो चुका है और थर्ड शिफ्ट का पेपर बहुत ही इजी रहा था और ये इसमें वर्ल्ड वाटर डे, सोलर नेट बल्ब्स और आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन आए थे और आपका रीजनिंग और मैथ से संबंधित वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो पुराने पेपर्स आए हैं। ओके, और उसमें संबंधित क्वेश्चन ही आ रहे हैं जो बिल्कुल आपके 10th और 12th में जो पढ़े हुए वहाँ से आ रहे हैं। तो अपन वीडियो शुरू करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 22 मार्च। ओके, अगला अनुच्छेद 210 में शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है और उसमें क्या है, 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और देशबंधु ने की, और देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, देशबंधु किसको बोलते हैं, चित्तरंजन दास को बोलते हैं देशबंधु। ओके, अगला बैंकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो देखो बैंकिंग सोडा क्या होता है, NaCl प्लस CO2, इस तरह से बैंकिंग सोडा बनता है। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और सूत्र है। अगला टोक्यो ओलंपिक के समय कौन ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे, ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे तो नरेंद्र बत्रा। ओलंपिक समिति कौन अध्यक्ष थे, नरेंद्र बत्रा। ये वाला क्वेश्चन क्योंकि अभी हुआ है टोक्यो ओलंपिक। पंचायती राज किससे संबंधित है, पंचायती, ये वाला क्वेश्चन अभी देखो अभी रिपीट हुआ, आर्टिकल 243 में क्या है, पंचायती राज का वर्णन है और ये वाला क्वेश्चन आपके कई शिफ्टों में आ चुका है। 2022 में भारत में मराठी भाषा कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान पर मराठी बोली जाती है। अगला देशांतर रेखा से प्रश्न आया था कि देशांतर रेखा के दो देशांतर के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ये क्वेश्चन आप मुझे ज़रूर लिख के बनाएं कि देशांतर के बीच में कितना डिग्री का एंगल रहेगा। वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, ये विषाणु नहीं वायरस, वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, तो वायरस के कारण एड्स होता है। एड्स की फुल फॉर्म आया था आपके पहले क्वेश्चन, फिर इसके कारण कौन से वायरस से होता है, HIV, फिर इसका क्या फुल फॉर्म भी आया था। ओके, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और दूसरा आया था HIV की फुल फॉर्म, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। जिस केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं वहाँ कार्यभार कौन संभालता, तो उपराज्यपाल संभालते हैं। ओके, अगला सोलेनोइड किस तरह की मैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अगला अब पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन देखना, पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में ग्रुप में बोल रहे हैं ऊपर से नीचे, ग्रुप में ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं जाने पर न्यूक्लियर साइज पर क्या बढ़ देगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाएंगे तो साइज घटेगा, ये वाला इम्पोर्टेंट है। अगला कार्बन का ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है, हर एक कार्बन के 3 कार्बन से जुड़ा होता है इसलिए सुचालक होता है, देखिए कार्बन का ग्रेफाइट क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है इधर उधर जंप करता है इसलिए। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त, और किसके के लिए मनाया जाता है, ये स्वामी विवेकानंद का जन्मदिवस। मानव शरीर में औसतन कितना मूत्र बनता है, तो एक दिन में 1 से 1.5 लीटर बनता है। बल्ब का तार किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। पोंगल का त्यौहार कहाँ का त्यौहार है और कहाँ मनाया जाता है, ये वाला क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है पोंगल का त्यौहार, क्योंकि ये पोंगल का त्यौहार आ चुका है पहले भी क्वेश्चन। ओके, पोंगल का त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, तमिलनाडु, और इसका पहले 20 शिफ्ट में रिपीट हुआ था। ओके, तो आप पुराने वीडियो भी देखते रहे ताकि पुराने वीडियो से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं और रिपीट भी होते हैं हमेशा, ग्रुप डी हो गया, जितने भी रेलवे डिपार्टमेंट के एग्जाम होते हैं उसमें रिपीट क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।